आप सभी का स्वागत है। प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी बम्प आता है उसका एक्साइटमेंट हर एक वुमन को होता है। आई एम श्योर आप भी मिरर में बहुत बार देखते होंगे। बेबी बम्प जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी के मंथ्स बढ़ते जाते हैं उसका साइज भी बढ़ता जाता है। अब देखा गया है कि कुछ प्रेग्नेंट वुमेन के बेबी बम्प का साइज़ बड़ा होता है, यानी कि ज़्यादा दिखाई देता है, वहीं पर किसी किसी का बेबी बम्प का साइज़ छोटा होता है। अब लोग क्या करेंगे, आपके बेबी बम्प के साइज़ के हिसाब से आपकी बेबी के डेवलपमेंट का आइडिया लगाते हैं। अगर आपका बेबी बम्प का साइज़ ज़्यादा है, बड़ा दिखाई देता है, तो लोग मान के चलते हैं कि आपकी बेबी की ग्रोथ अच्छी हो रही है और उसका वेट अच्छा खासा होगा। वहीं पर अगर आपकी बेबी बम्प का साइज़ कम है तो आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप सही से नहीं खा रहे हो, या फिर आपकी बेबी की डेवलपमेंट सही नहीं हो रही है, उसका वेट कम है, और उसके बाद टेंशन हो जाती है। मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे बेबी बम्प का साइज़ जो है वो छोटा था, जिसकी वजह से बहुत सारी बातें मैं सुनती थी और ख़ुद से भी टेंशन होती थी। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्यों प्रेगनेंसी में कुछ लेडीज़ के बेबी बम्प का साइज़ ज़्यादा होता है और क्यों किसी के बेबी बम्प का साइज़ कम होता है, और अगर बेबी बम्प का साइज़ कम है तो क्या वाकई में आपके बेबी का जो वेट है वो कम होगा, उसकी डेवलपमेंट सही नहीं हो रही होगी। तो आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसे पूरा देखिए। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी हो वो प्लीज़ आप मुझे लिखें, मैं कोशिश करूँगी आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों प्रेगनेंसी में कुछ वुमेन के बम्प का साइज कम होता है या ज़्यादा होता है। फैक्टर नंबर वन, एक आप याद रखिए कि अगर आपका पहली प्रेगनेंसी है, यानी कि आप फर्स्ट टाइम मॉम बन रहे हैं, तो आपके बेबी बम्प का साइज़ कम होगा कंपैरेटिवली एक ऐसी मदर के जो सेकेंड टाइम मॉम बन रही है या थर्ड टाइम मॉम बन रही है। क्योंकि क्या होता है, शुरू में हमारी जो मसल्स है वो टाइट होती है, लेकिन जब आप अपने बेबी को डिलीवर कर देते हैं तो उसके बाद ये मसल्स लूज़ हो जाती है। तो जब आप सेकेंड टाइम मॉम बनते हो तो आपके बेबी बम्प जो है थोड़ा लूज़, जैसे आपने सुना होगा ना कि एकदम फुटबॉल सा बेबी बम्प है और लूज सा है बम्प या नीचे की तरफ है, तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है तो बेबी बम्प का साइज़ ज़्यादा दिखाई देता है और लूज़ यानी कि फैला हुआ सा दिखाई देता है, नीचे की तरफ दिखाई देता है। तो याद रखिए, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो हो सकता है आपके बेबी बम्प का साइज़ कम हो कंपैरेटिवली अ वुमन जो सेकेंड टाइम मॉम बन रही है। सेकेंड पॉइंट या फैक्टर जिस पर आपका बेबी बम्प का साइज़ डिपेंड करेगा वो है आपकी हाइट। जो वुमेन टॉल होती हैं उनका बेबी बम्प कम दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है कंपैरेटिवली शॉर्ट वुमेन के। यानी कि मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड प्रेग्नेंट है और उनकी हाइट कम है तो उनका बेबी बम्प ज़्यादा दिखाई देगा कंपैरेटिवली आपके, अगर आप टॉल है तो। ये एक फैक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान बेबी बम्प कम दिखाई दे रहा था। 7 महीने तक लोग नहीं आइडिया लगा पाते थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैं उनको बताती थी तो उनको सरप्राइज होता था। एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा सुनी, लोग बोलते थे बेबी कहाँ छुपा रखा है, क्योंकि बेबी बम्प दिखाई नहीं देता था। उसकी वजह से क्या होता था, कई बार मुझे ऐसा लगता था कि क्या वेट जो है बेबी का कम है या डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। लेकिन इसके लिए क्योंकि मेरी हाइट 5'5" है तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। 100% नहीं कह सकते कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन हाइट की वजह से ऐसा होता है। मेरी हाइट एवरेज वुमेन की जो हाइट है इंडिया में उससे ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसीलिए हो सकता है कि मेरा बेबी बम्प ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। थर्ड चीज़ जिस पर आपके बेबी बम्प का साइज़ डिपेंड करेगा वो है आपकी बेबी की पोजीशन। प्रेगनेंसी के दौरान बेबी जो है वूम में आपके ऐसे घूमता रहता है, कभी आपको लेफ्ट साइड में मालूम चलेगा, कभी आपको राइट साइड में मालूम चलेगा, कभी कभी ऐसा लगता है, पता नहीं आप ये चीज़ फील कर रहे होंगे या नहीं, कभी कभी मुझे लगता था मेरा बेबी इस तरीके से, यानी कि हेड इधर मालूम चलता था और लेग्स इधर। तो आप सोच सकते हैं अगर बेबी का साइज़ ऐसे है, यानी कि पोजीशन ऐसे है, तो ऑब्वियसली बात है आपका जो बेबी बम्प थोड़ा सा फैला हुआ दिखेगा। वहीं पर अगर आपका बेबी इस तरीके से है तो आपका बेबी बम्प जो ऐसे दिखाई देगा, बेबी लेफ्ट साइड में है तो आपको लेफ्ट साइड में ज़्यादा मालूम चलेगा। तो अगेन बेबी की जो पोजीशन है उस पर बहुत डिपेंड करता है आपके बेबी बम्प का साइज़। हाँ, बहुत सारे लोग इसको जेंडर से भी प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर बेबी इस तरफ दिखाई देगा आपको मालूम चलता है कि लेफ्ट साइड ज़्यादा या राइट साइड,
उसके बेसिस पे वो आइडिया लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेबी अपनी कंफर्ट के हिसाब से पोजीशन लेता है। आपको मैंने बता दिया, मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि मेरा बेबी इस तरीके से है, लेकिन मेरी गायनी कहती थी कि नहीं, वो इस तरीके से नहीं है। तो वो कई बार हम अज्यूम नहीं कर पाते हैं या आइडिया नहीं लगा पाते हैं। हेड का आपको अक्सर पता चल जाता है, क्योंकि हेड जो है थोड़ा सा सॉलिड होता है, तो टच करने पे मालूम चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आरव जो है अक्सर उसकी पीठ जो है ऐसे रहती थी, यानी कि अगर ये मेरा पेट है तो अल्ट्रासाउंड जब हम होता था तो उसमें हम अक्सर उसकी ये इस तरीके से दिखाई देता था, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी और हेड जो है दिखाई देता था। तो आप नहीं बोल सकते कि बेबी एग्जैक्टली किस पोजिशन में है, बट उसके हिसाब से आपके बेबी बम का साइज डिफाइन होता है। आपका बेबी बम छोटा दिखाई देगा या बड़ा दिखाई देगा, वो आपके एमनियोटिक फ्लूड का जो लेवल है उस पर भी डिपेंड करता है। आपको बता दूँ, जैसे यूट्रस है एक्सैक्ट, जैसा आप समझ लीजिए उसमें पानी भरा रहता है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं, उसमें हमारा बेबी लिटरली तैर रहा होता है। तभी आपने देखा होगा जब बेबी आता है बाहर तो उसकी स्किन थोड़ी सी वाइट लेयर होती है, थोड़ी जैसे बोलते हैं ना एग्जैक्टली, आई होप मैं सही बोल रही हूँ, गिलगिली सी स्किन होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि आपका बेबी एक फ्लूड में तैर रहा होता है, 9 मंथ्स वो वहाँ पर होता है। तो प्रेगनेंसी में एक बोलते हैं ना अप्रोप्रिएट लेवल होता है एमनियोटिक फ्लूड का, वो होना चाहिए। कम होगा तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि वो अगेन क्या है, बेबी फिर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। ज़्यादा होगी तो भी दिक्कत होती है। तो अगर आप, लेकिन ज़्यादा होने पे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जितना कम होने पे। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है हाइड्रेट रहिए, कोकोनट वाटर पीजिए, पानी पीजिए। अपने आप को आपको हाइड्रेटेड इसलिए रखना है ताकि जो एमनियोटिक फ्लूड का लेवल है वो अप्रोप्रिएट बना रहे, यानी कि जितना चाहिए उतना होना चाहिए। अब अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपके बेबी बम का साइज़ बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी में जो वेट बढ़ता है ना, मैंने एक वीडियो किया हुआ है कि प्रेगनेंसी में जब आपका वेट बढ़ता है तो किस चीज़ का कितना वेट बढ़ता है, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारी वुमेन जो है वरीड रहती है कि बहुत वेट बढ़ रहा है, बहुत वेट बढ़ रहा है। एक्चुअल में बहुत वेट नहीं बढ़ रहा होता है, कुछ कुछ फ्रैक्शंस में वेट आपका बढ़ता है। जैसे बेबी का वेट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो वेट होता है वो 1.5 से 2 किलो के अराउंड होता है। तो अगर आप समझ के एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका वेट भी ज़्यादा बढ़ेगा और आपका बेबी बम भी ज़्यादा दिखाई देगा। फिफ्थ रीज़न जिसकी वजह से आपका बेबी कम या ज़्यादा दिखाई देता है, वो है आपकी मसल्स। मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ हमारा स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। प्रेगनेंसी वाला मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपका बेबी बम छोटा होगा कंपैरेटिवली एक ऐसी मदर की जो सेकेंड टाइम मॉम बन रही है। इसके अलावा हमारा स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है, कुछ लोगों की मसल्स टाइट होती है, किसी किसी की वीक होती है। तो ऐसे लोग जिनके पेट के अराउंड की मसल्स टाइट हैं, उनका बेबी बम ऑब्वियस सी बात है कम दिखाई देगा, जैसे मेरा कम दिखाई दे रहा था। वहीं पर अगर आपकी मसल्स लूज हैं तो आपका बेबी बम ज़्यादा दिखाई देगा। नेक्स्ट फैक्टर जिस पर आपकी बेबी बम का साइज डिपेंड करेगा वो होता है बेबी का वेट। ऑब्वियस ही बात है, वेट ज़्यादा होगा तो वेट आपके बेबी का, तो आपका बेबी बम ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे बेबी का वेट थ्रू आउट प्रेगनेंसी थोड़ा सा हायर साइड में ही आता था। मुझे बार बार बताया जाता था, जो रेडियोलॉजिस्ट वो बताते थे कि बेबी की हेल्थ ठीक है, क्योंकि वो वेट जो बेबी का वो मेजर करते हैं, प्लस माइनस में मेंशन होता है आपकी रिपोर्ट में, उससे पता चल जाता है। स्टिल मेरे बेबी बम का साइज़ कम था, तो हो सकता है बेबी का वेट ज़्यादा है इसीलिए आपका बेबी बम ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी बेबी बम का साइज़ कम है तो आपका बेबी अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता चल जाता है, आपको गायनी मेंशन कर देती है। तो आप जो आपकी गायनी बता रही है उस पर फॉलोअप करिए, ना कि ये कि अगर आस पड़ोस वाले लोग आपको बोल रहे हैं कि बेबी बम छोटा है तो उसको लेकर आप टेंशन ना लें। नेक्स्ट फैक्टर जिस पर आपका बेबी बम का साइज़ डिपेंड करता है वो ये कि आपका वेट कितना बढ़ रहा है। आपको बता दूँ, जो लड़कियाँ पतली होती हैं, स्लिम होती हैं, उनका वेट ज़्यादा बढ़ता है कंपैरेटिवली एक ऐसी लड़की के जो हेल्दी है। जैसे मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इसी अराउंड मेरा जो वेट था, तो इसीलिए हो सकता है क्योंकि मेरा वेट कम बढ़ा था प्रेगनेंसी के दौरान, तो बेबी बम भी कम दिखाई दे रहा था। तो याद रखिए, एक स्लिम लड़की, लीन गर्ल जो है उसका बेबी बम ज़्यादा दिखाई देगा कंपैरेटिवली अ गर्ल जो थोड़ी सी हेल्दी है। लास्ट फैक्टर जिस पर आपकी बेबी बम का साइज डिपेंड करता है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है, इसको जो है होना बहुत कॉमन है। मेरी भी जो शुगर है थोड़ा सा हायर साइड में आती थी,
डायबिटीज़ नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा साइड में आती थी। तो ऐसा क्या होता है, अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका जो बेबी है उसका वेट ज़्यादा हो, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड होता है। अगर आपको डायबिटीज़ वाला फैक्टर है तो बेबी का वेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब ऑब्वियस ही बात है, बेबी का वेट ज़्यादा है तो आपके बेबी बम का साइज़ भी हो सकता है ज़्यादा दिखाई दे। तो ये हो गए सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से आपके बेबी बम का साइज़ डिसाइड होता है, ये कम ज़्यादा दिखाई देता है। तो आई होप आपका अगर बेबी बम कम है और आप वरेड हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, या ज़्यादा है वरेड है तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कभी भी आपको कोई डाउट हो तो अपनी गायनी से आप बात करिए, खुल के बात करिए, क्योंकि मैं अपने बारे में आपको बताती रहती हूँ। मेरा बेबी बम का साइज़ कम था तो मैंने अपनी गायनी से पूछा था और फिर ये कन्वर्सेशन फनी हो गया था, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मेरा बेबी बम दिखाई नहीं देता है, सब मुझसे बोलते हैं तो शी सेड कि दिख रहा है, क्योंकि वो इंटरनली चेक करते थे, मतलब वो देखते हैं तो उनको पता रहता है, और लोग जो है आपको ऐसे बाहर की अपीरेंस से देखते हैं तो उनको इतना आइडिया नहीं लगता है या वो वरेड रहते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, ड्रेसिंग सेंस का भी कई बार मैटर कर जाता है। जो लोग लूज कपड़े पहनते हैं तो ऑब्वियस है आपके बेबी बम थोड़ा सा कम दिखाई देगा। तो ये हो गई सारी चीज़ें बेबी बम को लेके। तो आपका जो डाउट है आई होप क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या आपको लगता है कोई टॉपिक है जिसे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूँगी।